यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तेरा नाम जो हालेलुया। हमने इस भजन में देखा, जब से यीशु मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया। परमेश्वर हमारे जीवनों में एक बदलाव को देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पे मसीह यीशु जैसा हो जाए। अगर हम मसीह यीशु के जीवन को देखें तो उसने बहुत सुंदर बात हमारे को इस पृथ्वी पे रहते हुए सिखाई और बताई। प्रभु यीशु मसीह का जीवन क्या था? प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जितने दिन भी इस पृथ्वी पे रहे, अपने पिता की महिमा उन्होंने की, अपने पिता को इच्छा को उसने पूरा किया। जो कुछ पिता ने उसको कहा वही उसने किया, जो कुछ पिता ने दिखाया वही उसने देखा। प्रभु यीशु मसीह जब तक इस पृथ्वी पर रहे, उन्होंने अपना समय सिर्फ परमेश्वर के साथ बिताया। उसने अपना सारा समय परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में बिताया। जब तक इस जमीन पर रहे, उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया कि कैसे हम पिता के साथ समय बिता सके, कैसे हम उस परमेश्वर के साथ और भी घनिष्ठ संबंध बना सके। मेरे पर प्यारे भाई बहनों, प्रभु के दास दासियों, प्रभु के सुंदर बेटे बेटियों, परमेश्वर चाहता है कि आपके साथ एक मजबूत संबंध बने। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन ऐसा हो कि आपके कान हर समय परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए लगे रहे। जब आप मुंह खोलें तो परमेश्वर की बातचीत आपके मुख से निकले, जब आप देखें तो आपकी आंखें क्रूस पे लगी रहे। परमेश्वर चाहता है कि आपके साथ एक मजबूत रिश्ता हो। जब प्रभु यीशु मसीह जमीन पर थे, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक मजबूत रिश्ता आपको और मुझे बताया, आपको और मुझे सिखाया। और अगर हम बाइबल में देखें तो कितनी ऐसी घटना है जो परमेश्वर के बड़े बड़े दास इस पृथ्वी पे आए और उनके सामने भी बहुत सारी समस्याएं आई, उनके जीवनों में भी बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन उनका रिश्ता कभी परमेश्वर से कमजोर नहीं हो पाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस पृथ्वी पे हैं, बहुत सी घटनाएं हमारी जिंदगियों में होती हैं, बहुत सी बातचीत हमारे विरोध में होती है, बहुत सी समस्याएं हमारी जिंदगियों में आती है, लेकिन क्या ये घटनाएं, ये समस्याएं, ये विरोध की बातचीत हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर कर सकती है? अब मेरे साथ मिलकर कहें, यीशु मसीह के नाम में हमें दूर नहीं कर सकती। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये बातचीत हमारी जिंदगियों में हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो सबसे एक बेहतर उदाहरण जो हमें और आपको सिखाया है कि कैसे हम परमेश्वर के नजदीक आए, कैसे हम परमेश्वर के का घनिष्ठ संबंध में जुड़े, और वो है प्रेयर। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, जो भाई बहन प्रार्थनाओं का योद्धा है, जो प्रार्थनाओं में है, जो हर घड़ी प्रार्थनाओं में रहता है, इसका मतलब है वो परमेश्वर से बातचीत करता है, इसका मतलब है वो परमेश्वर के अभिषेक में चल रहा है, इसका मतलब है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा है, इसका मतलब है कि परमेश्वर अपना दर्शन, अपनी योजनाएं उस बेटे और उस बेटी के जरिए पूरे कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू मुझसे बातचीत कर, तू मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे और भी बड़ी बड़ी बातें, भेद की बातें बताऊंगा। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, हम इस पृथ्वी पे जब तक हैं, हमारा जीवन प्रार्थनाओं का जीवन हो जाए, हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि परमेश्वर जब हमारे जीवन की ओर देखे तो बहुत आशीष का कारण हम बहुत से भाई बहनों के लिए ठहराए जाए। हालेलुया। हालेलुया। हमारे विश्वास के जीवन में शैतान इस चीज को चुराना चाहता है। शैतान चाहता है कि हम अपने प्रार्थना के जीवन में डिस्टर्ब हो जाएं, लेकिन प्रभु यीशु चाहता है कि हम प्रार्थना के जीवन में मजबूत हो जाएं। हालेलुया।
हालेलुया। हम दानियल की पुस्तक में घटना को देखते हैं, राजा दारा के समय में उसने एक ऑर्डर निकाला कि उस समय उसके अलावा अगर कोई किसी की भक्ति करेगा, स्तुति करेगा, अपना सजदा करेगा, आराधना करेगा, तो उसको शेरों की महान में डाल दिया जाएगा। दानियल परमेश्वर का जन था, दानियल परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला उसका अभिषिक्त जन था, दानियल परमेश्वर के साथ रहता था। हालेलुया। क्योंकि जो मनुष्य, जो भाई बहन प्रार्थनाओं में समय बिताता है वह परमेश्वर के साथ रहता है। जब हम प्रार्थनाओं में होते हैं, जब हम दानियल के मानित अपना समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आनंदित हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब दानियल उस घड़ी में था, उन प्रार्थनाओं में था, तब राजा के द्वारा एक आज्ञा निकली कि अगर आज के बाद इतने दिन तक अगर मेरे अलावा कोई भी मनुष्य किसी और के सजदा करेगा तो उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, जब हम कई बार मसीह के पीछे चलते हैं, कई बार जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो हमारे जीवनों में ऐसी घटना आ जाती है, हमारे जीवनों में भी ऐसा समस्या आ जाती है, लेकिन आप परमेश्वर के मुबारक लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। दानियल की मानिंद परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आपके प्रार्थना के जीवन से उस परमेश्वर को, जमीन और आसमान के मालिक को, उस सृष्टि के रचने वाले को, उसके नाम को महिमा मिले। हम ये ना सोचे कि मेरे जीवन में मैं इतनी प्रार्थनाएं कर रहा हूं, मेरे जीवन में घटनाएं क्यों हो रही है, मेरे जीवन में प्रार्थना कर रहा हूं, शैतान मेरे विरोध में बातचीत क्यों करता है। हालेलुया। शैतान उसी भाई बहन को, उसी विश्वासी के जीवन को टच करता है जो प्रार्थनाओं में नहीं है, और वो फिर एक एक्सक्यूज लेके आता है हमेशा अपने जीवन में। उसके जीवन में, जिसके जीवन में प्रार्थना ही नहीं है, उसके जीवन को शैतान बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल करके रखता है, और वो हर घड़ी एक मारा कूटा हुआ विश्वासी बनकर रह जाता है। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आपको परमेश्वर ने जीत के लिए बनाया है, आपने परमेश्वर को अपनी महिमा के लिए बनाया है, आपको बनाया है, इस पृथ्वी पे जीवित रखा है, आपको रचा है कि आप शैतान के कामों को नाश कर सके प्रभु यीशु के नाम में। और वो कब होगा? जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाएगा। दानियल की मानिंद हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं होती हैं, लेकिन हमें उन घटनाओं की ओर नहीं देखना, हमें अपने जीवते परमेश्वर की ओर देखना है। कुछ समय पहले की बात है, मुझे एक खबर मिलती है कि मेरे बेटे को कैंसर है, और जब मैं हॉस्पिटल में लेके गया तो डॉक्टर ने मुझे इंफॉर्मेशन दी कि आपको तुरंत अपने बेटे को पीजीआई में लेके जाना पड़ेगा, वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर से पूछा, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? उसने मुझे कहा कि मैं आपको बता रहा हूं, एक पिता होने के नाते आप बेटे के पिता हैं, इसलिए मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं कि आपके बेटे के हाथ में कैंसर है और आपको तुरंत इसको पीजीआई लेके जाएं। मेरे लिए यह खबर, मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेड खबर था, मैं विश्वास नहीं करता था। मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने डॉक्टर साहब ऐसे कैसे हो सकता है एक छोटे से 12-13 साल के बच्चे को? उसने कहा, कैंसर की कोई उम्र नहीं होती है, आपको तुरंत अपने बेटे को लेके जाना पड़ेगा। प्यारे भाई बहनों, मैं उसको पीजीआई में लेके गया, और जब मैं पीजीआई में लेके गया तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, डैड आप मुझे बड़े हॉस्पिटल में क्यों लेके आए हो? मेरे पास जवाब नहीं था। उस घड़ी में बहुत मुश्किल था मेरे लिए प्रेयर करना, उस घड़ी में उस हालात से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं प्रभु के सामर्थ्य के लिए, मेरे परिवार के लिए, खुदा के उन दासों के लिए जिन्होंने प्रार्थनाओं में वो समय मेरे साथ बिताया। हालेलुया, हालेलुया। लोग जब आप प्रभु में बढ़ते हैं, जब आप प्रार्थनाओं के जीवन में बढ़ते हैं, लोगों को शैतान उकसाता है आपके विरोध में बातचीत करें। हालेलुया। और वो उसी मनुष्य को शैतान पकड़ पाता है जो प्रार्थनाओं में नहीं है, जो प्रभु मसीह के लहू में नहीं डपा है। लेकिन जो प्रार्थनाओं में है, दानियल की मानिंद, शैतान उसको छू भी नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। जो दानियल की मानिंद है वो एक ऐसा मनुष्य है जैसे एक तार
जिसमें करंट है और वो ओपन है, वो खुला हुआ है। खुले हुए तार को जिसमें करंट बह रहा है किसी मनुष्य की हिम्मत नहीं है कि उसको छू भी दे। ठीक ऐसे ही अगर आप दानियल की मानित प्रार्थनाओं में हैं तो आप एक करंट से भरे हुए तार हैं और आपको शैतान छू भी नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। हम उस करंट के मानिंद होने चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन ऐसा प्रार्थनाओं का जीवन हो कि शैतान छू भी ना पाएगा। शैतान जो मर्जी योजनाएं बनाए आपके जीवन के विरोध में, वो आपके जीवन में सिर्फ घटना ला सकता है, दुर्घटना तक परमेश्वर आपको नहीं लेके जाएगा। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से, प्रार्थनाओं के जीवन से एक सुंदर गवाही को जो पेश करना चाहता है। हालेलुया। जैसे एक छोटा बच्चा होता है और जब बच्चा छोटा बढ़ता है और बढ़ते वक्त वो धीरे धीरे कुछ शब्द बोलना स्टार्ट करता है और जिस दिन वो बेटा पापा कहता है, बाप कितना खुश होता है कि आज पहली बार मेरे बेटे ने अपने जुबान से मुझे पापा कहा। और फिर धीरे 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 जब वो बच्चा बढ़ता है और उसकी जुबान खुलती है और फिर वो अपने पापा के साथ बातचीत करने लगता है, कितना अच्छा लगता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर भी आपको ऐसे ही बढ़ता हुआ देखना चाहता है। परमेश्वर भी चाहता है कि आपकी जुबान खुले पिता के लिए, आप प्रार्थनाएं करें पिता के साथ समय बिताएं। आप सोच के देखिए घर में क्या स्थिति हो। आप अपने घर में बैठे हैं, आपका बेटा घर में आया है और आपको देखता है और देख के सिर्फ जय मसीह की बोल के चला जाए, आपसे कोई बातचीत ना करे, वो ये ना बताए कि सारा दिन कहां पर था, क्या उसने काम किया, किस नौकरी में गया, क्या उसके जीवन में आज घटना हुई। वो सिर्फ बाहर से आता है शाम को, आपको जय मसीह की बोलता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है, खाना खा के सो जाता है। हम ऐसे मसीह ना बने। हालेलुया। लेकिन अगर वही बेटा घर में आए और अपने पिता से बातचीत करे, उसके साथ समय बिताए, तो बाप का हृदय खुश हो जाएगा। हालेलुया। वही बेटा सवेरे जब घर से निकलने से पहले बाप से बातचीत करे, आशीष लेके जाए, उसका दिन आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। ठीक ऐसे ही परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हमारा जीवन प्रार्थनाओं का जीवन हो जाए, हमारा जीवन ऐसा हो जाए जो पिता के साथ समय बिताए। जब वो घटना हुई मेरे बेटे के साथ, वो बहुत कठिन समय था। बहुत से लोगों ने मुझ पे उंगली भी उठाई होगी कि अगर ये प्रभु में है, ये प्रभु का दास है, तो इसके जीवन में घटना क्यों हुई। और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोग आपके विरोध में बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग जब इन आप घटनाओं से निकलेंगे, कुछ लोग आपके बारे में कहेंगे कि शायद इसका चरित्र प्रभु में ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, मसीह का चरित्र हमारे लिए प्रथम स्थान है। हमारा चरित्र ठीक भी नहीं है तो भी मसीह आपके चरित्र को ठीक कर देंगे। लोग आपके बारे में कहेंगे कि इसका विश्वास कम है, यह वचन में नहीं है, यह पवित्र जीवन नहीं जी रहा है। लेकिन पवित्र परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको हॉस्पिटल में अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको किसी भी हालात में अकेला नहीं छोड़ेगा, वो बीमारी में आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो परिवार की कठिनाई समस्याओं में आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आप जीवन की किसी भी हालात में हो, वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो आपसे एक ही उम्मीद करता है, मेरे बेटे मैं तरसता हूं तुझसे बात करने के लिए, तू सवेरे उठ, तू दिन में जा, तू शाम को उठ, मेरे लिए मेरे से बातचीत कर, मेरे साथ समय बिता, मैं तुझसे बातचीत करने के लिए तरसता हूं। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आप प्रार्थनाओं के लिए बने हैं। प्यारे भाई बहनों, प्रभु के दास दासियों, प्रभु के अभिषिक्त जनों, आप सब प्रार्थनाओं के लिए बने हैं। आए प्रार्थना करें और प्रभु के साथ समय बिताएं। परमेश्वर आपके जरिए बहुत से लोगों को आशीष देने जा रहा है। जब डॉक्टर ने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी, मैं लगातार प्रार्थना में था। मैं शुक्र अदा करता हूं खुदा के उन दासों के लिए जो लगातार मेरे साथ प्रार्थनाओं में रहे। उसमें मेरे लिए बहुत कठिन था। ठीक ऐसे जैसे दानियल के साथ घटना हुई। दानियल का कोई दोष नहीं था, दानियल ने कोई गलती नहीं किया था। परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना कोई दोष नहीं है, यह तो एक खुशी और मुबारक बात है। हालेलुया। और उस घटना में जब दानियल को यह समाचार मिला कि राजा ने ऐसे ऐसे आज्ञा पत्र निकाला है
दानियल डरानी, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भाई और बहन प्रार्थनाओं में रहता है, वो किसी मुसीबत को देखकर, वो किसी समस्या को देखकर भय नहीं खाता, वो डरता नहीं, क्योंकि उसको पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तो हम किसी बात का भय कैसे खा सकते हैं? डरता वही मनुष्य है जो परमेश्वर के साथ नहीं है। हालेलुया। दानियल ने भय नहीं खाया। दानियल ने उस पत्थर को नहीं देखा जिसपे राजा के हस्ताक्षर थे। दानियल ने उन शेरों को नहीं देखा जिसमें उसके बारे में बोला गया था कि जो अगर परमेश्वर की भक्ति करेगा, जो राजा को छोड़कर किसी और की भक्ति करेगा, उसको शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। राजा दारा की आज्ञा को दानियल ने नहीं देखा। हालेलुया। उसको एक ही धुन थी, हालेलुया, कि हो मैंने अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना है, चाहे मुझे जो मर्जी हो जाए। हालेलुया। जब ऐसा जीवन हो परमेश्वर के लिए एक विश्वासी का, वो जीवन सबसे उत्तम जीवन है, यीशु नाम। जब मुझे इस घटना के बारे में पता लगा और जब मैं हॉस्पिटल जाता था तो हर दिन एक बोझ के साथ जाता था, प्रार्थना करता था। कई बार सोचता था कि शायद मेरे बेटे का हाथ ना कट जाए, कई बार सोचता था कि कुछ खो ना जाए, बहुत सी विचार मेरे ख्याल में आते थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसने मुझे बल और सामर्थ्य दिया, प्रार्थनाओं के लिए मुझे उत्साहित किया पवित्र आत्मा ने, भाई बहनों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की। हालेलुया। प्रभु का बल ही हमारे लिए सबसे उत्तम सर्वोत्तम बात है हमारे जीवन में। और एक दिन की बात है, मैं हॉस्पिटल में था और डॉक्टर कीमियोथेरेपी की तैयारी कर रहे थे, और एक दिन ठीक पहले, कुछ दिन पहले डॉक्टर ने एक और टेस्ट लिया, और मैं था और एक और खुदा के दास मेरे साथ थे, कुछ बहनें मेरे साथ थी। और तुरंत डॉक्टर ने मुझे बुलाया अंदर, और वो सीनियर मोस्ट डॉक्टर था, प्रोफेसर थे शायद वो, और उन्होंने मुझे कहा, आप इस बेटे के बाप हैं? मैंने कहा जी यस। इसने कहा एक बहुत बड़ा मिरेकल हो गया है, आपके बेटे के खून में कोई भी कैंसर का कीटाणु वायरस नहीं है। हालेलुया। ये हमारे लिए अद्भुत बात है। आप अपने बेटे को मेडिसिन देना बंद कीजिए, आपके बेटे को कोई कैंसर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरे विश्वास के लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु ने दिया। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी समस्या है, आपके जीवन में भी कोई ऐसी बीमारी है, आपके जीवन में अगर ऐसे हालात है, तो आप अपने घुटने हालात के सामने ना टेके, आप बीमारी के सामने घुटने ना टेके, आप समस्या के सामने घुटने ना टेके, बल्कि दानियल के मानिंद अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेके। हालेलुया। दानियल ने अपनी खिड़की खोली जो यरूशलेम की ओर खुलती थी, क्योंकि उसको पता था कि यरूशलेम का परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, यरूशलेम का परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। दानियल ने अपने घुटने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने रखे। शैतान चाहता है हमारे जीवन में इन घटनाओं के जरिए कि हम परमेश्वर से दूर होकर अपने घुटने बीमारी के सामने टेक दे। आज के वचन के अनुसार, अगर आप मुझे हॉस्पिटल में देख रहे हैं, आप बेड पर हैं, आप किसी भी हालात में हैं, आज के वचन के अनुसार मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप इसी घड़ी प्रभु यीशु के सामने घुटने टेके। दानियल के मानिंद आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाही वो देने जा रहा है, बहुत बड़ा कार्य आपके जीवन में करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। परमेश्वर हालात को नहीं, समस्या या बीमारी को नहीं, बल्कि मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सर के रूठे हाथ और आपके घुटनों को देख रहा है कि यह मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे सामने घुटने टिकाए हैं, यह मुझसे बातचीत कर रहा है, यह मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। और जिस समय दानियल शेरों की मांद में गया, तब भी परमेश्वर ने उसको कहा, तब राजा दारा ने उससे कहा कि हे दानियल, जिसकी तू प्रार्थना करता है, जिसकी तू उपासना करता है, वही परमेश्वर तुझे बचाए। ओ हालेलुया, हालेलुया। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम जिस परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, वह परमेश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं है, वह हमें हर चीज में जयवंत के साथ बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। हम क्यों डरे,
हम क्यों भय खाए? हो सकता है आपके जीवन में डॉक्टर रिपोर्ट कुछ और बता रही हो, आप कंफ्यूज हैं, लेकिन यीशु मसीह कंफ्यूज नहीं है। आपके लिए संभव है लेकिन यीशु मसीह के लिए संभव नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु बस आपके जीवन से दानियल की मानिंद एक प्रार्थनाओं का जीवन देखना चाहते हैं। और जब आप प्रार्थनाओं के जीवन में बढ़ेंगे, प्रार्थनाओं के जीवन में चलेंगे, तो दानियल की मानिंद शैतान जो भी योजना आपके विरोध में बनाए, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी योजनाएं अगर शैतान आपके जीवन के विरोध में बनाएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो अपनी योजना में खुद ही फंस जाएगा, खुद ही नाश हो जाएगा। अगर आप इस चैप्टर को अपने बाद में इसको पढ़ना, आपको आशीष मिलेगी कि कैसे सिरों की महान से दानियल को बचाया और कैसे वो लोग जिन्होंने दानियल के विरोध में युक्ति बनाई थी उनको सिरों की महान में डाला गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। बस वो आपसे ये चाहते हैं कि आपका समय परमेश्वर के साथ बीतना शुरू हो जाए, आपका जीवन प्रार्थनाओं का जीवन हो जाए। अक्सर विश्वासी कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, अजीब अजीब बातचीत होती है, वो ऐसा क्यों? अक्सर मुझे सुनने में आता है कि ब्रदर मैं चर्च में आ रहा था, शैतान ने रास्ते में टायर पंचर कर दिया। ब्रदर मैं अच्छे भले उठा था चर्च के लिए जाने के लिए, संगति में जाने के लिए, घर में लड़ाई हो गई। हालेलुया, आप किसको महिमा दे रहे हैं? आप शैतान को महिमा दे रहे हैं जबकि आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा देने के लिए बुलाया है। हालेलुया, अगर आप भोर के समय में उठेंगे और परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, अपनी आंखों को क्रूस पे लगाएंगे, तो शैतान आपको छूने भी नहीं पाएगा। वो योजनाएं बनाएगा लेकिन उसकी सारी योजनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक खुले बर्तन में खाना है, बहुत बेहतर खाना है खुले बर्तन में, लेकिन वो ढपा नहीं है तो उस पे मक्खियां आके बैठेंगी। लेकिन अगर वो बर्तन बहुत अच्छे खाने से ढका हुआ है तो कोई भी उसमें गंध, कोई भी मक्खी मच्छर उस पे नहीं आ सकता। आपके जीवन में परमेश्वर ने उत्तम रोटी दिया है, आपके जीवन में परमेश्वर ने स्वर्गीय रोटी, स्वर्गीय मन्ना दिया है। हम इसको प्रार्थनाओं से ढप के रखें, प्रभु आपको बहुत याद से आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम बने हैं हर घड़ी, हर दिन, हर पल परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम सवेरे उठ के पहले क्रूस की ओर देखें, प्रार्थनाओं के साथ समय बिताएं और उसके बाद अपने जीवन में आगे बढ़े दिन में, तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के जरिए बहुत से लोगों को आशीषित कर देगा। अगर आप सवेरे आत्मिक तौर पर प्रार्थनाओं से भरे हुए हैं, सवेरे आत्मिक तौर पर आपके जीवनों में बहुत सी प्रार्थना की सामर्थ्य है, तो सारे दिन आप देखना भाई बहन आपके पास आएंगे और आत्मिक जल आपसे आके पी के जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप बहुत से भाई बहनों को आत्मिक जल पिलाए। वो कैसे होगा? वो तभी हो पाएगा जब हम आत्मिक तौर पर प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर की सामर्थ्य में भरे हुए होंगे। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य में भरे हुए होंगे तो जीवन में कोई भी घटनाएं, कोई भी समस्याएं, कोई भी बातचीत आए, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन की उस बातचीत, उस घटना से आपको निकाल लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जैसे दानियल ने, मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, दानियल के पुस्तक अध्याय 6। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्थर पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। खरे भाई बहनों, आज से इस वचन से हम प्रभु में एक प्रार्थना करें कि पिता यीशु मसीह के नाम में हमारा जीवन दानियल के मानिंद प्रार्थनाओं का जीवन हो जाए। हम अपने घुटने सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सामने टेकें, हम अपना
अपना जीवन सिर्फ परमेश्वर के साथ बिताए। हालेलुया, हमारे घुटने सिर्फ प्रभु के सामने टिके, हमारा जीवन सिर्फ प्रभु के साथ हो। हम समस्या को देखकर, बीमारी को देखकर डर ना खाएं, बल्कि परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, आइए मैं आपके साथ एक प्रार्थना करना चाहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी आज की सुबह के लिए जो आपने मुझे सौभाग्य दिया कि इस टीवी के जरिए आपके सुंदर बेटे बेटियों से जुड़ने पाया, आपके बेटे बेटियों से जुड़ने पाया, आपके दास दासियों से जुड़ने पाया, पिता होने पाए कि इस वचन के अनुसार, इस गवाही के अनुसार आपके बेटे बेटियां जिस भी हालात में है, जिस भी समस्या में है, जिस भी परेशानी में है, जिस भी बीमारी में है, जिस भी खर्चे में है, हो पिता इन सब पर इनकी आंखें ना लगे, बल्कि इनकी आंखें हो परमेश्वर आपकी ओर लगी रहे। इनके घुटने पिता प्रभु यीशु के नाम में सिर्फ और सिर्फ आपके सामने टिके प्रभु जी, और इनकी जिंदगियों में आज के वचन से यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी मैं जीत लागू करता हूं। मैं ये घोषणा करता हूं प्रभु यीशु के नाम में कि आज के वचन से इनका जीवन एक प्रार्थनाओं का जीवन बन जाए। आज से इनके घुटने यीशु नाम में आपके सामने टिकने वाले बन जाए पिता। आज से इनके जीवनों में प्रभु जी आपकी महिमा हो जाए प्रभु जी। अभी तक जो कुछ भी शैतान ने इनके प्रार्थनाओं के जीवनों को डिस्टर्ब किया था, अभी तक जो कुछ भी शैतान ने इनके जीवनों में प्रार्थना के समय को दूर लेके गया, आज से ये बातचीत प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनके जीवनों से दूर हो जाए, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और ये बेटे ये बेटियां आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके साथ समय बिताने वाले बन जाएं। इनके घुटने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके सामने टिकने वाले हो जाएं प्रभु जी। आप इन्हें शांति दे यीशु जी, आप इन्हें जिंदगी में आशीषित और भी आशीषित करें प्रभु यीशु जी। आप मदद करें, सहायता करें प्रभु यीशु जी। आपका दाहिना हाथ इनकी जिंदगी पर बना रहे, और दानियल के मानिंद ये अपने जीवनों में आपकी महिमा करने वाले हो जाए। आज से दानियल के मानिंद इनका जीवन प्रार्थनाओं का जीवन हो जाए। आज से दानियल के मानिंद इनके जीवनों में आपकी एक सुंदर गवाही सुनने को मिले। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद दयालु पिता। आप इनके परिवारों को आशीषित करें, इनके बच्चों की जिंदगियों को आशीषित करें, आप इनके फाइनेंस को आशीषित करें यीशु जी, आप इनके शारीरिक माता पिता की जिंदगियों को आशीषित करें प्रभु यीशु जी, आप इनके बिजनेस को आशीषित करें यीशु जी, और इनके जीवनों में आपकी महिमा होने पाए, आपकी सुंदर गवाही सुनने को मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमेन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की एक बार फिर से। मैं उम्मीद करता हूं प्यारे भाई बहनों, जितनों ने भी आज ये 30 मिनट मेरे साथ बिताया है इस टीवी के जरिए, आप सब भाई बहन आशीषित हुए हैं। आपने आज ये 30 मिनट्स हमारे साथ बिताया, हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, आपके आभारी हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें जरूर लिखें, हमें आपके उत्साहित वचन, आपके उत्साहित वर्ड्स हमें इसमें बहुत आवश्यकता है। प्यारे भाई बहनों, आने वाले समय में हम इस टीवी के जरिए आपको और भी सुंदर गवाहियां लेके आएंगे। वो भाई बहन जिनके जीवनों में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए, जिनके जीवनों में परमेश्वर ने अद्भुत चंगाइयां की, वो भाई बहन आने वाले समय में अपनी गवाही को इस मंच पर साझा करने जा रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, अगर आपके पास भी कोई गवाही है या कोई टैलेंट है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, आप हमें जरूर लिखें। जो टीवी स्क्रीन पे फोन है आप फोन कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप दिए हुए स्थान पे एड्रेस पे आप पहुंच सकते हैं आराधना के लिए। हमें आपसे मिलके, आपसे बातचीत करके बहुत खुशी होगी।